नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नेहाल। कंगना रनौत और आदित्य पंचोली के बीच का विवाद एक बार फिर उठ गया है। इस बार कंगना के वकील ने आदित्य पंचोली पर रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी, जिसका वीडियो आदित्य पंचोली ने शेयर किया है। अब पुलिस कंगना रनौत से पूछताछ करेगी, इसलिए कंगना के वापस लौटने का इंतजार पुलिस कर रही है। जी हाँ, जब कंगना फ्रेंड्स से वापस लौटेगी तब मुंबई पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी। आपको बता दें कि आदित्य पंचोली ने 2017 में कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस किया था। आदित्य पंचोली का आरोप था कि कंगना के वकील ने उन्हें रेप के झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है, जिसका उनके पास वीडियो है। इस वीडियो को आदित्य पंचोली पुलिस के पास जमा करवा चुके हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में आदित्य पंचोली ने कहा कि मैं मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद मैंने और मेरी पति ने दिसंबर 2017 में कंगना और रंगोली के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद दिसंबर 2019 में आदित्य के पास कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी का फोन आया था। उन्होंने आदित्य पंचोली से मिलने के लिए कहा। आदित्य ने बताया कि जनवरी 2019 में रिजवान मेरे घर आए, उन्होंने मुझसे और मेरी पत्नी से मीटिंग की। इस मीटिंग में हमें धमकी दी थी, कहा अगर आप कानून का सहारा लेंगे तो हम आप पर रेप का केस करेंगे। आदित्य पंचोली द्वारा जारी वीडियो में कंगना के वकील आदित्य पंचोली और उनकी पत्नी को धमका रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि फिलहाल कंगना कांस में है, जहां से उनका लुक भी सामने आ चुका है। कंगना ने गोल्डन साड़ी पहनी थी, जिसमें उनकी जमकर तारीफें हो रही है। खैर, अब इंतजार तो कंगना के वापस आने का है, जब पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी। आदित्य पंचोली अपनी ओर से उस वीडियो को पुलिस के पास जमा करवा चुके हैं। देखना है पुलिस से इस पूरे मामले पर कंगना रनौत क्या कुछ कहती है। जाहिर तौर पर अगर आदित्य पंचोली ने सबूत जमा करवाए हैं तो कंगना रनौत के लिए राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि पुलिस के हाथ अब सबूत लग चुका है। अब निगाहें कंगना रनौत पर टिकी हुई हैं। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।